तो रिसेंटली एक बड़े लंबे समय के बाद कूल पैड ने बजट सेगमेंट में एंट्री की थी उनके कूल पैड कूल 3 प्लस के साथ। इस फोन को लॉन्च हुए तकरीबन 2 महीने हो चुके हैं और हमारे चैनल के लेट अपलोड्स के प्रथा के अनुसार हमें भी डिवाइस को यूज किए 2 महीने हो चुके हैं। तो इस 2 महीने के टाइम फ्रेम में ये डिवाइस कैसे वेल एज हुआ है आज हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो गाइस, मैं हूं प्रतीक और आप हो नेक्स्ट के चैनल पे, और बिना किसी रुकावट के लेट्स बिगिन। तो डिजाइन एंड बिल्ड की अगर हम लोग बात करेंगे तो फोन को हाथ में पकड़ते ही आपको एक स्लीक एंड कॉम्पैक्ट अपील आएगी। सबसे बढ़िया बात यह है कि ये फोन को राउंडेड एजेस होने के कारण वन हैंडेड यूसेज बड़ा ही इजी हो जाता है एंड फोन को आप ओवरऑल ज्यादा देर तक यूज कर पाओगे फोन के लाइट वेट होने के कारण। कलर की बात करो तो यहाँ पर मुझे ओशियन ब्लू कलर वेरियंट मिला था एंड इसका कलर स्कीम जो है वो ड्यूअल कलर ग्रेडिंग से इंस्पायर्ड है। अब ये कलर दिखने में तो अच्छा है लेकिन मेरे लिए थोड़ा ज्यादा ही आई कैची है, मतलब ज्यादा ही ब्राइट है। बट देखो, ये जस्ट एक मेरा ओपिनियन है, आपको ये कलर स्कीम्स पसंद भी आ जाएंगी। फोन की बॉडी जो है वो प्लास्टिक की है एंड आई एम डेफिनेटली नॉट अ फैन, क्योंकि इसमें स्क्रैचेस तो मुझे एक हफ्ते के अंदर ही दिखने लगे, जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक अच्छी चीज नहीं है। फिंगरप्रिंट स्मजेस भी आपको ढेर सारे मिलेंगे जैसे कि आप डिवाइस यूज करोगे। हाँ, मतलब कूलपैड ने एक इनबिल्ट सिलिकॉन केस भी प्रोवाइड किया है बट ये ओवर द टाइम येल्लो हो जाता है, तो ये एक किफायती चीज नहीं है इन माय ओपिनियन। लेकिन मुझे एक चीज बहुत पसंद आई और वो है कूलपैड एंड डिजाइन बाय कूलपैड वाला लोगो एंग्रेविंग। ये जो ड्यूअल टोन कलर ग्रेडिंग है उस पर ये लोगो बड़े अच्छे से ही स्टैंड आउट करता है। वॉल्यूम रॉकर्स एंड पावर लॉक की का फीडबैक मशी है बट हर बार ठीक ठाक रिस्पॉन्स आ जाता है। बॉटम साइड में आपको माइक्रो यूएसबी पोर्ट दिखेगा, उसी के साथ सिंगल फायरिंग स्पीकर एंड माइक्रोफोन का सेटअप मिलेगा। लेफ्ट में आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलेगा जो कि एक अच्छी चीज नहीं है इन माय ओपिनियन, क्योंकि इसी प्राइस रेंज में आपको डेडिकेटेड 2 सिम स्लॉट्स एंड मेमोरी कार्ड स्लॉट्स आजकल मिल रहे हैं। टॉप साइड पर आपको 3.5mm ऑडियो जैक मिलेगा, विश कि ये टॉप पर नहीं बल्कि बॉटम पे होता बिकॉज ये नेचुरल रेस्टिंग पोजिशन है फॉर योर फोन टू बी इन योर पॉकेट। डिजाइन को लेकर अगर हम लोग एक और बात करेंगे तो वो है कैमरा मॉड्यूल, जो कि थोड़ा बाहर प्रोट्रूडिंग है, जो कि एक अच्छी चीज नहीं है क्योंकि फोन फ्लैट सरफेस पर रेस्ट करते हुए यूजुअली कैमरा सेंसर को ही बम्प करेगा। उसके रिगार्डिंग एक और चीज ये है कि ये जो कैमरा सेंसर है वो प्लास्टिक से कवर्ड है। आई थॉट यहाँ पर तो एटलीस्ट कूल पैड ने ग्लास का इस्तेमाल किया रहेगा बट नहीं किया है अपेरेंटली, सो इस पे स्क्रैचेस आना बहुत ईजी है। Not cool, cool pad. Not cool. And उसी चीज की अगर हम लोग बात करेंगे तो यार ये 13 मेगापिक्सल का एंग्रेविंग क्यों है इस मॉड्यूल पर? अगर वो नहीं होता तो भी अच्छा ही लगता था डिजाइन वाइज इन माई ओपिनियन। डिस्प्ले क्वालिटी की अगर हम लोग बात करेंगे तो कूल पैड कूल 3 प्लस के साथ आपको एक 5.71 इंच का HD प्लस डिस्प्ले मिलेगा जो कि एक 720p डिस्प्ले के साथ आता है एंड ये एक LCD पैनल है। डिस्प्ले की क्वालिटी अच्छी है लेकिन अगर आप आउटपुट इंटेंसिटी की बात करो तो वाइब्रेंट नहीं है। मैंने इसमें थोड़े डिम कलर्स ऑब्जर्व किए हैं एंड एक ब्लू टिंट भी ऑब्जर्व की है, खासकर जब डिस्प्ले डिम हो। मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को उनके रिव्यूज में कहते हुए कहा है कि ये डिस्प्ले बहुत ही शार्प है। यार आपको ये डिस्प्ले शार्प कैसे और किस एंगल से लग रहा है प्लीज मुझे भी बताओ। आउटडोर लाइटिंग कंडीशंस पर डिस्प्ले बड़ा ही डिम हो जाता है लेकिन इंडोर कंडीशंस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। रिसेंटली मैंने इन्फिनिक्स स्मार्ट 3 प्लस भी यूज किया था एंड उसका डिस्प्ले मुझे इसके कंपैरिजन में बड़ा अच्छा लगा था। इसका जो नॉच है वो एसेंशियल फोन से बड़ा ही इंस्पायर्ड है, मतलब यूजुअली हमें इस प्राइस रेंज में वी स्टाइल या ड्यू ड्रॉप स्टाइल का नॉच देखने मिलता है बट यहाँ पर यू स्टाइल का देखने मिलेगा जो कि एक नई और एक अच्छी चीज है। तो यार स्ट्रेट टू द पॉइंट आने की बात करेंगे तो कूल पैड ने यहाँ पे एक प्राइमरी लेंस का सेटअप रखा है जो कि एक 13 मेगापिक्सल का सेंसर है। इसकी फोटोज जो है वो काम चलाऊ है, कोई ग्राउंड ब्रेकिंग नहीं है फॉर द प्राइस। बट एक चीज जो मैंने नोटिस की है कि यार इसमें शटर लैग बहुत ज्यादा महसूस होता है स्पेशली बोके मोड में।
एज यूजुअल कंपनी ने यहाँ पे सॉफ्टवेयर के बदौलत ब्लर इफेक्ट तो पाने की कोशिश बहुत सारी की है। हावेवर फोटोज में हाईलाइट्स ब्लोंड आउट आते हैं एंड ओवरऑल कैप्चर्स इतने तगड़े नहीं लगते हैं। लेकिन सरप्राइजिंगली इस फोन में कैम 2 API इनेबल्ड है, तो अगर कोई डेवलपर है जो इस फोन पे जी कैम का पोर्ट लाना चाहता है तो ही कैन डू इट। बट यार मेरे को नहीं लगता है कि ये ऐसा कुछ होगा, सो अपने होप्स हाई मत रखना। मैंने मेरे पहले रिव्यू में इन्फिनिक्स को बहुत ज्यादा कोसा था कि स्मार्ट 3 प्लस में ट्रिपल कैमरास का सेटअप होके भी अच्छे फोटोज नहीं आते हैं, लेकिन कूलपैड का कूल 3 प्लस यूज करने के बाद मेरे कुछ डिफरेंट थॉट्स हैं अभी इन टर्म्स ऑफ ओनली कैमरास। डिस्कशन को अगर हम लोग फ्रंट पे फ्लिप करें तो आपको एक 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा सेंसर मिलेगा। इसको अगर एक वर्ड में मैं डिस्क्राइब करूं तो ये एवरेज है। सेल्फीज काम चलाऊ है एंड सोशल मीडिया नीड्स तो कवर हो जाएंगी और सॉफ्टवेयर बोके मोड में आपको एजेस में ब्लीडिंग दिखेगी। बट यार अगेन इतने में इतना ही मिलता है, ऐसे बोल के मैं ये टॉपिक खत्म करूंगा। परफॉर्मेंस की अगर हम लोग बात करेंगे तो कूलपैड कूल 3 प्लस में आपको मीडिया टेक का हीलियो A22 प्रोसेसर देखने मिलेगा जो कि 2 GHz पर क्लॉक्ड है। सो डे टू डे हैवी यूसेज जिसमें मीडिया कंजम्पशन इंक्लूडेड है वहां पर आपको फ्लूइडिटी मक्खन नहीं मिलेगी, मगर आप इसे डेफिनेटली बेसिक टास्क का इस्तेमाल कराने के लिए यूज करा सकते हो। मेरे वेरियंट में 3GB का रैम है तो फोन आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है, मगर मैंने गेमिंग के वक्त बहुत सारे फ्रेम ड्रॉप्स ऑब्जर्व किए। पबजी लाइट तो आसानी से चल गया, मगर पबजी तो आप लो सेटिंग्स पे ही खेल पाओगे एंड उसमें भी आपको थोड़ी सी दिक्कत महसूस होगी। बाकी बड़े गेम्स जैसे कि आसफाल्ट 9, रियल रेसिंग 3 भी चल जाते हैं, लेकिन उसमें भी आपको फ्रेम ड्रॉप्स देखने मिलेंगे। तो गेमिंग के लिए तो ये फोन बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, मगर यार 6500 में आप एक्सपेक्ट भी क्या कर रहे हो। चलो आप सॉफ्टवेयर की तरफ बढ़ते हैं। तो कूलपैड ने यहाँ पर उनका कस्टम UI यूज किया है जो कि एंड्रॉइड 9.0 पाई पर बेस्ड है। उसका कोई नाम तो नहीं है लेकिन हल्का सा स्किन्ड वर्जन है। जब आप फर्स्ट टाइम फोन को सेटअप करोगे तो ऐप ड्रॉअर को एक्सेस करने के लिए आपको डेस्कटॉप सेटिंग से ऐप ड्रॉअर का एक्सेस लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ऐप ड्रॉअर को एक्सेस कर पाओगे। बाद में अगर आप फोन को कस्टमाइज करने की चाह रखते हो तो थीम्स के ऑप्शंस भी अवेलेबल है, लेकिन इतने कुछ खास नहीं है, बल्कि मुझे तो कुछ भी थीम्स पसंद नहीं आए। फोन को यूज करते वक्त ही मुझे एकदम 2010 वाला फील आया बिकॉज उतने ओल्ड वो आइकॉन्स फील हुए। थोड़ा ब्लोटवेयर भी आपको मिलेगा इस फोन पर, मेनली थर्ड पार्टी ब्राउजर्स के माध्यम से, लेकिन आप इजीली उन्हें अनइंस्टॉल कर सकते हो तो इसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। फेस अनलॉक ऑप्शन भी प्रेजेंट है, मगर इस पे बिल्कुल भी रिलायबल मत रहना बिकॉज यार ये एक आग बंद करके भी खुल जाता है, तो ये बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है। एंड फॉर द प्राइस आई वुडंट रियली कंप्लेन। फिंगरप्रिंट सेंसर की एक्यूरेसी बड़ी अच्छी है, लेकिन इसका जो अनलॉकिंग स्पीड्स है वो थोड़े स्लो है, यानी कि 1 से 2 सेकंड का फर्क आपको महसूस होगा अनलॉक करते हुए। OTG का सपोर्ट है इसमें, तो वो एक अच्छी चीज है बिकॉज इन्फिनिक्स स्मार्ट 3 प्लस में वो एक चीज लैकिंग है। होम स्क्रीन पर स्वाइप डाउन जेस्चर से आप फोन के नोटिफिकेशन ट्रे को एक्सेस कर सकते हो, बट ये तभी चलेगा जब आप किसी भी ऐप के ऊपर से ये जेस्चर करोगे। अगर ब्लैंक स्पेस पे आपने ये स्वाइप डाउन का जेस्चर किया तो नोटिफिकेशन ट्रे नीचे पुल आउट नहीं करेगा, क्योंकि एक वियर्ड बग है जो मैंने डिस्कवर किया। आई एम श्योर विद सॉफ्टवेयर अपडेट ये फिक्स किया जा सकता है बिकॉज ये ड्रॉ ओवर एप्स का API का इशू है, सो इट्स फिक्सेबल इन फ्यूचर। सो 3000 mAh की बैटरी के साथ आपको तकरीबन 7 hours का यूसेज मिलेगा एंड अगर आप हैवी यूसेज करोगे तो रफली अबाउट 5 to 6 hours का यूसेज आपको मिलेगा मेरे यूसेज के अकॉर्डिंग, जिसमें बहुत सारे गेमिंग्स एंड मीडिया कंजम्पशन इंक्लूडेड थे। बॉक्स कंटेंट्स में प्रोवाइडेड चार्जर के बदौलत आप फोन को 2 से 2.5 घंटे में फुल्ली चार्ज कर सकते हो। तो भाई साहब कूलपैड कूल 3 प्लस को लेकर मेरे फाइनल विचार क्या है? क्या इस प्राइस रेंज में कूलपैड कूल 3 प्लस को लेना अभी भी वर्थ है? तो स्ट्रेट टू द पॉइंट आने की बात कहूंगा तो बिल्कुल नहीं, बिकॉज इसी प्राइस रेंज में बहुत सारे अच्छे फोन्स आ रहे हैं। 500 से 1000 रुपीस एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करके आपको बहुत ही गजब फोन्स आ सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल रिसेंटली मेरे पास ये इन्फिनिक्स का हॉट 8 आया है जो 7000 रुपीस में आपको बहुत ही बढ़िया स्पेसिफिकेशंस देता है। इसका रिव्यू सून आपको चैनल पर मिल जाएगा एंड आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट दिस फोन। सो That's my answer right there. So anyways,
यही कुछ चीजें थी जो मुझे शेयर करनी थी कूलपैड को 3 प्लस को लेकर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली लाइक बटन दबाइए एंड सब्सक्राइब बटन को भी दबा देना ताकि मेरे वीडियोस को आप बिल्कुल भी मिस ना करो इन फ्यूचर। सो विद दैट बीइंग सेड, सी या।